हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए टाटा ग्रुप के 17 शेयर्स की मैं यहाँ पे आपके सामने बात करूँगा। 17 शेयर्स मार्केट में, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में टाटा ग्रुप के शेयर्स अच्छे शेयर्स नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप सबसे तेजी से आगे आया और इंडिया में जब मुसीबत की घड़ी आई तो सबसे आगे अपना पिटारा खोला और 1500 करोड़ का डोनेशन दे दिया इंडिया को। जरा सोचिए, जब टाटा एक ग्रुप होके इतना बड़ा, अगर आप देखो ओवरऑल टाटा के देखो, बहुत सारे फिलेंट्रॉपी वाली एक्टिविटीज चलती रहती हैं नो डाउट, लेकिन मुसीबत के टाइम पे आगे आना और ऐसी गिरावट के टाइम पे जब शेयर के प्राइसेस बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं, सब कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, और ऐसे टाइम पे आगे आके पूरे ग्रुप ने 1500 करोड़, लो भाई, और आने वाले टाइम पे और ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली, और आपको, मुझे खुद विश्वास है कि हाँ टाटा सबसे आगे यहाँ पे रहता है नो डाउट। मतलब पेट्रियोटिज्म की बात करो या फिर किसी भी तरीके से हेल्प की बात करो इंडिया में, तो वो टाटा ग्रुप मुझे लगता है पर्सनली, आपका अपना राय हो सकता है, वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, लेकिन मेरा मानना है और क्यों ना मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट किया जाए टाटा ग्रुप को। जब टाटा अपनी कंट्री को इतना सपोर्ट कर रहा है तो टाटा ग्रुप को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको, ऐसा नहीं कि जो शेयर्स कंपनीज टाटा ग्रुप की बिल्कुल नीचे जा रही है, जहाँ पे बिजनेस ठप पड़ा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स यहाँ पे टाटा ग्रुप के हैं जो आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम पे, उनकी तरफ जाइए। ऐसे 17 शेयर्स की मैं बात करूंगा, उसमें से आप चूज कर सकते हो। टाटा भी हर बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, टाटा ग्रुप बिजनेस के अलावा भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है टाटा की। चाहे आप देखिए, मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था टाटा के होटल के अंदर, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप, आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से टाटा ग्रुप चल रहा है भाई, देखिए ज़रा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टाटा कंज्यूमर के ऊपर वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, वी सपोर्ट टाटा, वी सपोर्ट टाटा। तो मैंने कहा भाई सारे शेयर्स पिटारा खोल दिया जाए टाटा ग्रुप के, कितने शेयर्स यहाँ पे कंपनी में है, कंपनी जो है लिस्टेड है इंडिया के अंदर, जरा देखिए इनको एक एक करके। और आप इसमें से, जरूरी नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाटा ग्रुप के, जरूरी नहीं है कि आप बेकार शेयर्स, इसमें अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनको चूज कीजिए। चलिए सीधे लेके चलता हूँ, ये लिस्ट है देखिए, टाटा ग्रुप TCS नंबर 1 की कंपनी है इंडिया में। अगर मार्केट में देखोगे ना तो सबसे टॉप पे रिलायंस और TCS ही रहते हैं, लेकिन टाटा की बात ही अलग है। पूरी सर्विस बेस्ड कंपनी ग्लोबल लेवल पर अगर आप TCS का काम देखोगे तो फैला हुआ है। फिलहाल 1766 के लेवल पे है, आने वाले टाइम पे और गिरावट आ सकती है नो डाउट, लेकिन बढ़िया शेयर है और जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है। टाटा स्टील, अगर स्टील कंपनी की बात आती है, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जिंदल स्टील और टाटा स्टील, तो भाई टाटा स्टील अल्टीमेट, लेकिन अभी की प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको कहोगे अरे इतना सस्ता मिल रहा है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील ही नहीं, अब देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स की हालत खराब है भाई। ये शेयर्स मैं कहूँगा इसको, इससे थोड़ा सा दूर रही है, इसकी हालत खराब है क्यों, क्योंकि जैगवार एंड लैंड रोवर के लॉस की वजह से ये कंपनी काफ़ी नीचे डेट तले दब चुकी है। लेकिन अच्छे शेयर और भी पड़े हुए हैं, टाइटन कंपनी देखिए, जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी को माला माल कर दिया। टाइटन अपने आप में एक जबरदस्त ब्रांड क्रिएशन वाली कंपनी है, मल्टीपल ब्रांड्स इस कंपनी के अंदर आते हैं। देखिए जरा, ये भी सस्ती में मिल रही है नो डाउट, आने वाले टाइम पर अगर और सस्ते मिल जाए तो और भी बढ़िया। टाटा केमिकल्स लिमिटेड, अब आपने कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि टाटा केमिकल्स और टाटा ग्लोबल बेवरेज आपस में कुछ प्रोडक्ट्स की इधर उधर स्वाइपिंग हुई है। टाटा केमिकल से कम्प्लीटली केमिकल कंपनी, जहाँ से टाटा सॉल्ट उठा के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर डाला जा रहा है, तो नो डाउट ये कम्प्लीटली फुल फ्लैश टाटा केमिकल्स वाली बन रही है। और इसके साथ साथ टाटा केमिकल्स को जो लिथियम आयन बैटरी का काम है वो भी मिलने वाला है। तो ज़रा सोचे, यहाँ पे फ्यूचर की सोच रहे हो, लंबी सोच रहे हो, टाटा ग्रुप आपके सामने और ज़बरदस्त शेयर्स टाटा ग्रुप के देखिए। उसके अलावा टाटा पावर कंपनी, पावर कंपनी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कंपनी जब पावर कंपनीज में थोड़ा सा अभी इतना मुझे लगता है कि स्कोप देखने को मिलता नहीं है टाटा पावर की बात करूँ तो। लेकिन द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ये भी टाटा की है होटल सेगमेंट में, होटल अभी बंद पड़े हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टॉक है टाटा के। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स FMCG का आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर बन सकता है, ये जबरदस्त स्कोप है इसका, देखिए इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आपको पूरे के पूरे 17 स्टॉक की लिस्ट ही बनेकर, चले देखते हैं कौन सा, अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, अच्छे स्टॉक्स भी हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी तरफ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे जो रिटर्न देने वाले, बढ़िया रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो। वोल्टास, टाटा का AC, इंडिया का AC, नाम तो सुना होगा, मिडिल क्लास की नींव है, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास जो है वो वोल्टास की तरफ जाता है। क्यों जाता है भाई, क्योंकि इकोनॉमिकल है, परफॉर्मेंस भी है, इकोनॉमिकल भी है, और मिडिल क्लास वाला तो भाई जेब का, जेब देखेगा भाई, जेब में फिट आ रहा है तो वोल्टास आ रहा है। तो देखिए ट्रेंट लिमिटेड, अब देखिए रिटेल की बात आती है तो ट्रेंट का नाम आ गया था, अब ट्रेंट लिमिटेड, ट्रेंट के नाम से इसको बहुत कम लोग जानते हैं,
लेकिन जब इसको देखोगे आप ट्रेंड, जो वेस्ट साइड एंड ऑल बहुत सारे स्टोर्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और अभी आपने देखा कि भाई टाटा वॉलमार्ट के साथ पार्टनरशिप हो रही है। वॉलमार्ट इतना बड़ा स्टोर हाउस है वॉलमार्ट का, उसके साथ भाई फ्लिपकार्ट के साथ है। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का है किस चीज के लिए? अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फ्लिपकार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, फ्लिपकार्ट किसके है वॉलमार्ट के, वो टाई अप चल रहा है किसके लिए? प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करने के लिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, यानी कि टाटा का कॉफी टी जो भी है। अब देखिए घर में, घर घर में आजकल आपने देखा होगा कि चाय तो बनी रही है, लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो चाय कॉफी तो चल ही रही है, तो क्यों ना टाटा की चाय पी जाए। देखिए टाटा टी आपने देखा होगा, बहुत टाटा की कॉफी है, टी है। और उसके अलावा देखिए टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, ये और कंपनी है टाटा की। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा मेटेलिक्स लिमिटेड। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा टीसीएस, यहाँ पे टाटा एल्क्साई लिमिटेड ये भी है। और उसके अलावा नेल्को लिमिटेड और टाटा कॉफी लिमिटेड, ये कंपनीज भी है टाटा की। जरा देखिए, सोचिए कि टाटा की कितनी बड़ी, कितना बड़ा, मतलब कितने सेगमेंट में टाटा। देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी, स्टील कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, टाटा की आपकी ये ज्वेलरी वॉचेज जो टाइटन है, टाटा की केमिकल कंपनी, टाटा की पावर है, टाटा का एफएमसीजी का कंज्यूमर में आ गया, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है, टाटा एसी में वोल्टाज है, रिटेल में ट्रेंट है, स्पॉन्ज आयरन देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट का है, टाटा मेटेलिक है, टाटा एलेक्सा, ये देखिए पूरी की पूरी 17 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब आप कहोगे यार यहाँ पे कौन से शेयर को खरीदा जाए? देखिए अब ऐसे, अब आती है बात कि कौन से शेयर इसमें अच्छे हैं। मैं पर्सनली अगर कहूं जो मुझे अच्छे लगते हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज कैप से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर मैं स्टील का शेयर खरीदना चाहूंगा तो टाटा स्टील को खरीदूंगा, लेकिन मेटल सेगमेंट का अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये एक बाई कंजम्पशन वाली थीम का स्टॉक है, टाइटन, आई लाइक दिस टाइटन। और अगर मैं जाऊंगा यहां पे लिथियम आयन के हिसाब से सोचूंगा तो टाटा केमिकल्स, नो डाउट भाई। लेकिन एफएमसीजी का स्टॉक टाटा कंज्यूमर, ये भाई बड़ा रिटर्न दे सकता है जबरदस्त। एसी का स्टॉक वोल्टास। अब आप भी इस 17 की लिस्ट में कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको कौन से इसमें से पसंद है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। क्योंकि पता नहीं कोई इन कंपनीज में काम कर रहा हो, उसे इन कंपनीज के इंटरनल चीजें पता हो, तो वो कहेगा अरे वाह ये स्टॉक तो अच्छा है, वो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर बता सकता है। टाटा एलेक्साई, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल काफी चीजों पे काम कर रही है, ये भी बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल मुझे कहूं मैं, अगर मैं रिटेल सेगमेंट में, पिछले कुछ टाइम में ट्रेंट ने भी जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, बट पर्सनली मैं कहूंगा मैं पूरे सेगमेंट में एफएमसीजी का 1, टीसीएस आईटी का 2, टाइटन 3, और उसके अलावा यहां पे 1, 2, 3 वोल्टा 4, ये 4 मेरे, मैं कहूंगा वन ऑफ द, मैं कहूंगा बेस्ट पिक्स है इन 17 स्टॉक में। अब कहीं ना कहीं अब टाटा को एज एन इंडिविजुअल इंडिया को, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे ही नहीं कि आप भी सपोर्ट करना है तो कोई भी शेयर उठा लो भाई, अपना रिटर्न भी जरा देखोगे तो आपके पास कितने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के परफॉर्मेंस वाले ये स्टॉक है। तो देखिए ये चीज़, आपका पैसा भी नहीं डूबना चाहिए ना। अब अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपका पैसा डूब जाए तो दैट इज, मतलब मैं कहूँगा कि वो नुकसान है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ें हैं, उनकी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया। आने वाले टाइम पर अगर इनमें करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जमा करके यहाँ पे टाटा भी अपना चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, और अच्छे बिजनेसेस में आप चूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अभी जो टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी जबरदस्त उधार की मार पड़ी है, वहां पे आपने देखा होगा, तो उस तरीके से उनको उनको अवॉइड कीजिए। तो ये मैंने आपको ओवरऑल डिटेल्स बताई हैं। और यहां पे टीसीएस की तो आपको पता ही है कितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कैश रिच ग्रुप है भाई टाटा। टाइटन कंपनी आपको पता है कि कितनी जबरदस्त, यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी नहीं है, देखिए 90,000 करोड़। तो कुछ बड़े शेयर्स हैं तो कुछ छोटे शेयर्स है, देखिए ये मिड कैप में आ जाता है, मिड कैप स्मॉल कैप में 16,000 करोड़। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करूं, टाटा स्टील देखिए 32,000 करोड़ का यहां पे मार्केट कैप है। और अगर आप देखो टाटा कंज्यूमर का देखोगे तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसके अलावा टाटा मोटर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत जबरदस्त डेट इसके ऊपर है, तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। टाटा पावर कंपनी, पावर कंपनीज को तो मैं, मुझे अभी ज्यादा बेटर लगती नहीं है, चाहे कोई भी हो वो। टाटा कम्युनिकेशन को देखिए, छोटा शेयर है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे टाटा केमिकल्स, टाटा केमिकल्स देखिए इसके ऊपर डेट जरूर ज्यादा हो रहा है, देखिए डेट ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो। टाटा एलेक्साई छोटा शेयर जरूर है, डेट फ्री स्टॉक है, देखिए बढ़िया। ओवरऑल देखिए मैंने आपको इसीलिए 17 स्टॉक्स की ये लिस्ट दी, क्योंकि टाटा ही टाटा छा जाने वाला है आने वाले टाइम पे, लगता ऐसा है।
और आप अच्छे बिजनेसेस को चूज कर रहे हो, कोई बेकार बिजनेसेस को चूज नहीं कर रहे हो। अच्छे बिजनेसेस जो टाटा के हैं मैंने आपको बताया यहाँ पे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। ये टाटा के 17 शेयर आपकी लिस्ट आपने जरूर देखी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।